अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों क्या हाल है, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगी। तो दोस्तों आज हमारे पास एक 56 है, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, इसकी कंडीशन भी बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशन है, फुल कंडीशन है इसका। ऊपर से भी आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं और इसका इंटरनल जो बैरल है इसका वो फुल ज़ीरो है। ये हमने ख़ुद ग्रीस से ओपन किए हुए हैं, यहाँ पर इसकी कंडीशन देखते हैं। और ये 56 मॉडल है। और चलो इसकी सबसे पहले डेमो दिखाते थे, उसकी बाद फिर उसके ऊपर बात करते हैं। तो ये थी इसकी डेमो, चले इसके ऊपर अभी बात करते हैं। ये चाइना मेड है, चाइना में भी ये आप देख सकते हैं एलडी है, ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा हुआ एलडी, ये चाइना में एलडी है, सिंगल तांबा है। और ये 56 मॉडल है, आप इसकी फिनिशिंग भी देख सकते हैं, माशाल्लाह फिनिशिंग बहुत ही ज़बरदस्त है इसका। ये फ्रंट हैंड ग्रिप इसका पॉलीमर का प्लास्टिक का बना होता है, ये आप इसे देख सकते हैं माशाल्लाह। इसका बैरल भी आप देख सकते हैं, बहुत ही नायाब गन है, आजकल इस कंडीशन में मिलते नहीं हैं। और इसका दूसरा साइड भी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये इसका दूसरा साइड है माशाल्लाह, दूसरी साइड की भी आप फिनिशिंग देख सकते हैं। और इसका ये 40 राउंड का मैगजीन है, ये रशिया का है, फुल जेन्युइन है और फुल माशाल्लाह ज़बरदस्त मैगजीन है ये। और मैंने बाई किया था तकरीबन आज से 2 साल पहले मैंने बाई किया था, ये तकरीबन मुझे 10,000 रुपये का मिला था, फुल नया ग्रीसबैंड मिला था मुझे। ये आप देख सकते हैं, ये 56 मॉडल है, आप देख सकते हैं इसका एक ही 56 है, ये आप इसे देख लें, 56 है, सिंगल तांबा में है। ये इसका कंडीशन है, आप देख सकते हैं इसका, ये जो है ये इसका स्लिंग, ये भी इसके साथ कंपनी से आया हुआ है। ये इसका फोल्डिंग स्टॉक, बट स्टॉक जो होता है फोल्डिंग होता है, ये फोल्डिंग में है। मैं इसका फोल्डिंग बंद करके आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने इसका फोल्डिंग बंद करके दिया है आपके लिए। ये इसका 40 का मैगजीन है, इसलिए मैंने वीडियो स्टॉप की, मैगजीन बड़ा है इसलिए मैगजीन निकालना पड़ता है, उसके बाद ये फोल्डिंग बंद करना पड़ता है। इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं इसके, इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं फायरिंग भी करूँगा। मेरे सारा अभी जेन्युइन कार्टिजेस कम है, ओरिजिनल वॉल्फ के कार्टिजेस मैंने मंगवाए हैं, वो आ जाए तो इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा, शूटिंग की वीडियो इसकी इंशाल्लाह बनाऊँगा। ये इसका दूसरा साइड है, कोल जोड़ तो आपको ऐसे भी पता है कि 56 का और 47 का, 74 का, सबका एक जैसा होता है। ये इसका कंडीशन आप देख सकते हैं माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशन है इसका। और इसकी आवाज़, इसकी बैरल की सफाई भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त बैरल है इसका, फुल ज़ीरो बैरल है इसका। तकरीबन इस पर एक मैगजीन का अगर फायर हुआ हो, बाकी फायर इस पर नहीं हुए। और इसकी आप कंडीशन देख सकते हैं। और दूसरी बात, इसका मैगजीन के हवाले से भी इंशाल्लाह मैं बात करूँगा, मैं अक्सर ये वाले कार्टिजेज यूज़ करता हूँ, वॉल्फ के कार्टिजेज है, मैं फोकस करके दिखा देता हूँ आपको, ये वॉल्फ के कार्टिजेज है, एक मिनट। और इसकी मैगजीन के बारे में भी इंशाल्लाह बात करेंगे, इसके मैगजीन फेक और ओरिजिनल की निशानियाँ भी, चालीस की मैगजीन के फेक और ओरिजिनल की पहचान भी मैं आपको बताऊंगा दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह। और इसकी प्राइस के हवाले में भी बात करेंगे, और इसकी देसी का प्राइस जो दरा मेड होता है प्रेस वाला, उसकी क्या प्राइस है, और उसका क्या पता चलता है इंग्लिश और देसी जो होता है ना उसके बारे में। और इंशाल्लाह उसकी स्प्रिंग के हवाले से भी बात करूंगा कि अगर जेन्युइन और अगर कोई ना पहचान सके तो उसके लिए मैं स्प्रिंग के अंदर जो खड़ी होती है उसके बारे में मैं बताऊंगा कि वो जेन्युइन के अंदर कितनी कड़ी होती है और ओरिजिनल के अंदर कितनी कड़ी होती है। इसके ऊपर इंशाल्लाह दूसरी वीडियो तफसीलन बनाऊँगा कि उसमें आपको सारा कुछ समझाऊँ। और ये हमारे 56 की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी। और इसका ओपनिंग तो मैं इसलिए नहीं कर सकता, मेरे साथ अभी स्टैंड भी नहीं है मोबाइल रखने के लिए, दूसरा दोस्त भी नहीं है अगर वो पकड़े। और ये इसका मैगजीन है 40 राउंड का, इसकी आप कंडीशन देख सकते हैं माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशन है, फुल कंडीशन कहते हैं इसे।
और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको अच्छी ये वीडियो अच्छी लगी हो रही है, और मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियो के लिए हमारे लिए तो हमारा चैनल टेक्टिकल वेपन SSG को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे हर नई आनी वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी वीडियो अच्छी लगी, और दूसरी वीडियो के लिए हमारा इंतज़ार रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।